ठीक है बेटा, अभी हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल के जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले एक पॉलीनोमियल देख लो, फिर उसके जीरो निकालने का तरीका देखते हैं। तो जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, वही करेंगे, फालतू कुछ नहीं करेंगे। तो देखो एक एग्जांपल दे रखा है पॉलीनोमियल का, पी एक्स इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये एक पॉलीनोमियल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर x है ना, उसकी जगह पर कोई एक वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल को क्या बना देंगे, कांस्टेंट में क्रिएट कर देंगे। मैं मान लेता हूँ x की जगह पर 1 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 1। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। वन टू द पावर 3 हो तो भी 1 ही रहेगा, 2 हो तो भी 1 ही रहेगा, 3 जो 3 इंटू 1 3 रहेगा माइनस 2, प्लस 3 माइनस 2 क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस माइनस, मतलब प्लस 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, बताओ पहले ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा, पहले ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, तो ऐड करेंगे, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, ये आया मेरा आंसर 4। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया, 0 निकल कर आ गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, देखो उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन दिए हुए हैं 3, 3 में से हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं या तीसरा भी अटेम्प्ट कर लेंगे, इजी है। देखो यहाँ पर एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है, बोला है इसकी x इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू निकालो, बहुत इजी है। ठीक है, फिर अगला दिया हुआ है, इसका बोल रहा है कि y इक्वल्स टू 2 पर निकालो, और जो थर्ड है बोल रहा है t इक्वल्स टू a पर निकालो। सबसे पहले 1 कर लेते हैं, फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1 कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर वैसे है ये 2, एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन क्या है जरा यहाँ देख लो, बड़ा दूर दूर देखना पड़ रहा है। हाँ, तो पहला पॉलीनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 प्लस 7, ये दिया हुआ है, बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू फाइंड करो। बेटा थोड़ा नहीं तो उस कमरे में चले जाओ, पर वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पी एक्स की जगह पर 1 ले लो, अब 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1, देखो बेटा अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, प्लस 7, 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7, अब 3 प्लस 7 करोगे तो प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 7 क्या हो गया, प्लस का 4, आंसर आ गया आपका 9। बस यही फाइंड आउट करना था, वैल्यू फाइंड आउट करने भी कर दी। अब जरा करो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 करते हैं, सेकंड पार्ट, एग्जांपल नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड। तो सेकंड पार्ट में पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, देखो पार्ट सेकंड एग्जैक्ट दे रखा है 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11, और वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, y इज इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू फाइंड करनी है, आराम से हो जाएगा। तो y है यहाँ पर, तो y की जगह पर 2 लगा दिया, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पर 2 हो जाएगा, टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 4 जा 12, 8 12 माइनस 8 4 प्लस अंडर रूट 11, ये आपका क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब थर्ड पॉइंट देखो, हमारा थर्ड क्या है, ठीक है, और बेटा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर ये स्क्वायर लिख दिया हमने जबकि ये क्यूब था, तो कोई बात नहीं, क्यूब हो तो क्या होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24 हो जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो यहाँ 16 हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा, पैटर्न यही है, क्वेश्चन बस क्यूब कर दो तो बस इतना ही चेंज आने वाला है, यही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर वो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड का पार्ट नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, पी टी इज इक्वल्स टू 4t का पावर 4 5 टू डी पावर क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस में 6, बोल रहा है वैल्यू फाइंड आउट करो टी इज इक्वल्स टू ए पर, तो जहाँ जहाँ पर टी है वहाँ वहाँ पर ए लिख देना, तो ये हो गया पी ए, ये हो गया 4 ए का पावर 4 प्लस 5
ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2 प्लस 6, तो क्या हो गया 4a4 प्लस 5a टू द पावर 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6, खत्म। अब कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसका और फर्दर आंसर निकालना चाहते हो तो निकाल लेना। अब एग्जांपल नंबर 3 करना है और चेक करना है कि ये दो नंबर दिए हुए हैं ये इस पॉलीनोमियल के जीरो है या नहीं है। बहुत आसान है, इसको पॉलीनोमियल में डालकर देख लो, जीरो आ जाए तो जीरो है और जीरो ना आए तो जीरो नहीं है। ठीक है, देखो दो नंबर क्या पॉलीनोमियल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये देखो, ये पी जो होता है पॉलीनोमियल का साइन होता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है एक्स प्लस टू, और जो दो नंबर दे रखे हैं चेक करने के लिए वह है माइनस टू एंड टू। तो बारी बारी रख कर देख लो, सबसे पहले माइनस टू रख कर देख लूँ तो हो गया माइनस टू प्लस टू, प्लस माइनस क्या हुआ माइनस जीरो हो गया ना, प्लस टू माइनस टू आपस में क्या हुआ कट गया जीरो हो गया। अब एक बार टू रख लिया तो क्या हुआ टू प्लस टू आया फोर, तो एक बार तो जीरो आया पर नहीं आया दूसरी बार, तो जिस नंबर को रखने से जीरो आया वो क्या है इस पॉलीनोमियल का जीरो है, और जिसके रखने से नहीं आया जीरो वो इस पॉलीनोमियल का जीरो नहीं है। आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। ये देखो आंसर क्या है, therefore minus 2 is zero of polynomial and x plus but 2 is not the zero of polynomial। ठीक, अगला find a zero of a polynomial, एक zero find करो, कितना एक zero find करो। example number 4 very very important, example 3 important, तो example 4 very very important, exam में question मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, ये करना भी बहुत आसान है। जब क्या हो, जब आपको कोई number ही ना दे रखा हो, खाली आपको क्या दे रखा है एग्जांपल नंबर 4 में, खाली एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और बोला इसका एक जीरो फाइंड करके दिखाओ, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं है जो मैं एक्स की जगह पर रखूँ, कैसे निकालूँ, अब तो हम फंस गए। तो फंसना कुछ नहीं होता बेटा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल रख देना, बस आपका काम हो गया। ठीक है, मान लो ये पॉलीनोमियल को मैं जीरो के इक्वल रख दूँ तो ये क्या हुआ है मेरा 2x plus 1 is equals to 0 हो गया। x को इधर ही रखना, बाकी सबको उधर भेज देना, x equals to के उधर भेज देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2x पहले plus 1 को उधर भेजा था माइनस 1 हो गया, अब ये 2 जो है उसको उधर भेजूंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो बेटा 0 क्या आया इस पॉलीनोमियल का, 0 आया आपका माइनस 1/2। कैसा लगा, आसान लगा मुश्किल लगा बोलो, समझ में आ गया? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 की जगह है। यहाँ पर करना है चेक करो, चेक कर 2 एंड 0 क्या है, दो नंबर दे रखे हैं और एक पॉलीनोमियल दे रखा है, चेक कर कि वो इसके 0 है या नहीं है। तो क्या करना है चेक, बस इन नंबरों को बारी बारी डाल दो, जिस नंबर पर 0 आ जाए वही 0 है और जिस पर ना आए वो 0 नहीं है। कर कर देखते हैं, चेक कर लेते हैं, जरा आसान है भाई, है ना, क्या है आसान है, आया मेरी किताब। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 बेटा, एनसीईआरटी का साथ मत छोड़ना, एनसीईआरटी से बाहर कभी भी कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पल्स कर लो, आपका काम हो जाएगा। नंबर दिए हैं 2 एंड 0, तो सबसे पहले हम पी एक्स इज इक्वल्स टू 2 मतलब एक्स इक्वल्स टू 2 पर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया पी 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2x तो 2 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 हो गया 0, तो ये तो पता चल गया कि 2 तो भाई पॉलीनोमियल का 0 है। अब 0 पर भी चेक कर लो, तो x इज इक्वल्स टू 0 पर चेक कर लो, तो p 0 हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, 2 मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0 0, यहाँ पर तो ये दोनों ही नंबर इस पॉलीनोमियल के जीरोज़ हैं।